तो कॉलर माइक बनाने के लिए हमें ज़रूरत पड़ेगी एक ख़राब हेडफोन की और फेविक्यू और कुछ इस तरीके का फोम जो मैंने इस ऐसे फोम में से काट निकाला है और इसे आप कैंची से सेप दे सकते हैं। और ये सीज़र की ज़रूरत पड़ेगी और हमें टेप और ये सिलीबिन जो हमें इलेक्ट्रॉनिक मार्केट से मिल सकती है। दोस्तों चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। दोस्तों पहले हमें इसके ये वाला पार्ट जो होता है जिसके अंदर माइक लगाता है इसे खोल लेना है। दोस्तों मैंने इसे खोल लिया है और इसमें चार चार वायर इधर लगी हुई हैं और चार वायर इधर लगी हुई हैं। तो ये हेडफोन वायर है, हमें इसे ज़रूरत में नहीं लेना है। हमें ये लास्ट के ये वाले वायर और लास्ट के ये वाले वायर को काट देना है और बीच वाले वायर है जो होता है वो माइक का होता है, हमें इसे ही यूज़ में लेना है। तो पहले मैं इसे काट देता हूँ। ये वाली पिन की वायर को अलग कर लिया है। अब हमें इसमें से ये रेड वाली वायर को काट देना है। ये रेड वाली वायर को काट देना है, रेड और ग्रीन। और हमें ये दो वायर में ही यूज़ लेना है, एक काला ग्रैंड जो माइनस होता है और ये प्लस। मैंने हेडफोन के वायर निकाल लिए हैं। दोस्तों अब हमें ये वाली माइक निकालनी है जो यहाँ सेंटर में लगी है, ये माइक है, इसे ही हमें यूज़ में लेना है। दोस्तों हमने माइक को निकाल लिया है, देख सकते हैं कुछ इस तरीके का माइक है। यही माइक हमें यूज़ में लेना है। दोस्तों हमें वायर लंबा करने के लिए इस वायर की ज़रूरत पड़ेगी तो हमें इसे भी डिसोल्डरिंग करना है। पहले दोस्तों हमें माइक माइक का जो कॉलर में फंसाने वाला है होता है उसमें से वायर हमें डालना है। कुछ इस तरीके से वायर इसमें से डालना है। ये मैंने गुल्ली ली है जो हार्डवेयर की दुकान पर मिल जाएगी ऐसा। देख सकते हैं दोस्तों मैंने डाल लिया है इसमें। अब हमें ये माइक लेना है और इसे में जोड़ देना है। देख सकते हैं दोस्तों मैंने दोनों वायर जोड़ ली है। देख सकते हैं मैंने दोनों वायर जोड़ लिया है।
अब इसे कुछ इस तरीके से फिट कर देना है आपको। अब हमें ये कैप लेना है जो हमारे कॉलर में फंसेगा, उसके अंदर से भी कुछ इस तरीके से वायर निकाल लेनी है। और इसमें इस फिक्स कर देना है। देख सकते हैं दोस्तों, मैंने फिक्स कर लिया है। अब मैं इसे इसके पीछे वाली वायर जो निकली है माइक से, मैं इसे हेडफोन जैक में जोड़ूंगा। देख सकते हैं दोस्तों, मैंने दोनों वायर जोड़ लिया है। और हमें इसे इस लेबिंग वगैरह इसमें लगा के हमें टेपिंग कर देनी है। देख सकते हैं दोस्तों, मैंने टेपिंग कर लिया है कुछ इस तरीके से। अब हमें ऐसा फोम लेना है जो मैंने आपको शुरुआत में ही बताया था, और इस फोम के बीच में सोल्डरिंग आयरन की सहायता से हमें छेद करना है और इसे इस तरीके से फिट कर देना है इसके ऊपर। देख सकते हैं दोस्तों, मैंने होल कर लिया है। अब मैं इसके ऊपर इस तरीके से फिट कर दूंगा इसमें। देख सकते हैं दोस्तों, ये फिट हो चुका है, कितना अच्छा दिख रहा है। दोस्तों चाहे तो आप इसे ब्लैक मार्कर से ब्लैक कर सकते हैं। अब हमें इसे दोस्तों भरना होगा ये इसी फोम से जो मैंने वेस्ट निकाला। दोस्तों आप इसे फेविक्विक के मैं से सील भी कर सकते हैं। मैंने इसमें फेविक्विक डाल दिया है, अब ये वायर बाहर नहीं आएगा। दोस्तों वीडियो पसंद आई तो इसे लाइक शेयर एंड चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा और बेल आइकन भी दबा दीजिएगा, जिससे हमारे न्यू वीडियो की नोटिफिकेशन आप में पहले शो करें।